ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मेरी इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य होता है, प्रभो यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्यान्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मुग्गे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है,
आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, इस प्रकार श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली ऐसी और भी कई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।